और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर अधिकार सेना पार्टी के संयोजक अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व को सलाह लेते हुए सलाहकार समिति का गठन किया है। इस 15 सदस्यीय सलाहकार समिति में शिक्षाविद रमाकांत राय को अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अनिल यादव, सत्यानंद शुक्ल सहित कई लोगों को शामिल किया गया है। पार्टी के संयोजक ठाकुर ने पार्टी के सदस्यों के खिलाफ में विभिन्न स्तरों से आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति भी बनाई है। इस 9 सदस्यीय शिकायत समिति में पत्रकार खैरुल्लाह को अध्यक्ष बनाया गया है और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र अस्थानों को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी के संयोजक अमिताभ ठाकुर ने कहा कि पार्टी को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए समितियां बनाई गई है। पूरी तरह प्रजातांत्रिक ढंग से संचालित करने के निमित्त आज पार्टी की एक 15 सदस्यीय सलाहकार समिति शिक्षाविद रमाकांत राय की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसी प्रकार से पार्टी के अंदर आने वाली शिकायतों के सम्यक निस्तारण और पारदर्शी क्रियाकलाप बनाए जाने के निमित्त एक 9 सदस्यीय शिकायत समिति पत्रकार खैरुल्ला के अधीन बनाई गई है।